राम राम जी। आज अपना टॉपिक है हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की जो नदी है मैप का गला करांगे, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया है। एक एक नदी देखिए उसे बस। तो ये हरियाणा का मैप है, यो पंचकुला जिला है, अंबाला है, यो यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद सारा देखने लग रहा है। यो अपना के है दिल्ली है। तो सबसे पहले जो अपना हरियाणा की जो मुख्य जो नदी देखो, पहली बात है हरियाणा की नदी जो है, हरियाणा की नदियां का जिक्र दो चीजें मिला है। एक तो मिला है वेदा की, अगर बात करें तो आप ऋग्वेद के अंदर हरियाणा की नदियों का जिक्र मिला है। दूसरा एक पुराण है, जिस पुराण का नाम है वामन पुराण, यानी हरियाणा की नदियों का उल्लेख जो किस किस में मिला है, ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख है और वामन पुराण के अंदर जो है हरियाणा की नदियों का के है जिक्र मिला है। उसके बाद देखो मुख्य रूप से हरियाणा जो है, वर्तमान हरियाणा की बात मैं करूं तो दो मुख्य नदियां हैं। एक तो गग्गर नदी जो उड़ते स्तरीय यूं आ जाओगी इस सीमा के ऊपर, एक उधर या नदी है अपने यमुना नदी नु आ जाओगी। इन दोनों गग्गर और यमुना के बीच का हरियाणा बसा है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि जो दो प्रमुख नदियां थी हरियाणा की, दृशदवती और सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी जो है आर्यों की पवित्र नदी मानी जाती थी। और ऐसा माना जाओगी पांडव जो थे ना वनवास के टाइम पे, सरस्वती और जो दृशदवती नदी जो है इसके किनारे 13 मास बिताए थे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान, ऐसा माने जाओ। सबसे पहले जो हरियाणा की जलवायु जो है, याद रखना अपना हरियाणा की जलवायु कौन सी, महाद्वीपीय जलवायु है। यानी महाद्वीपीय जलवायु का मतलब क्या है, जरा गर्मियों में घनी गर्मी पड़ेगी, जाड्या में घना जाड्या पड़ेगा, वह कौन सी महाद्वीपीय जलवायु है अपना हरियाणा की, ठीक है। तो जिक्र है सबसे पहले यमुना का। तो यमुना जो नदी है यह निकला है उत्तराखंड से, करते लिखना है उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड से यमुना नदी निकला है। और उत्तराखंड के अंदर जगह है, दो तीन चीजें हैं। एक तो है बंदर पूंछ की पहाड़ी, बंदर पूंछ की पहाड़ी। दूसरा नाम आओ है इसमें अपना यमुनोत्री, यमुनोत्री। और तीसरा जो इब्बे जो अपने लेटेस्ट जो पेपर हुआ था आपने देखा हो तो, यो अपने जेई का, जेई में पूछा गया था कि अरक्कीदून से कौन सी नदी निकला, तो अरक्कीदून जो है इस तो यमुना की दो सहायक नदियां निकला है और आगे चल के यमुना बन जाओ है, तो यह भी यमुना नदी निकला है। समझ में आ गया, नहीं उत्तराखंड से निकला है यमुना नदी, बंदर पूंछ की पहाड़ी, यमुनोत्री या फिर अरक्कीदून से निकला है। ज्यादा जानकारी लेनी है तो अपनी वीडियो देख लियो जो अपने नेशनल जीके वाली करा रखी। तो या उत्तराखंड की बंदर पूंछ की पहाड़ी से स्त्रियां से लिकट गई और लिकट के अपने आ गई या हरियाणा के यमुनानगर में, कड़ा आ गई यमुनानगर में। यानी प्रश्न ने पूछा भाई यमुना नदी हरियाणा में कड़ता प्रवेश करा, तो यमुनानगर में तो प्रवेश करा है। और यमुनानगर में जड़ता प्रवेश करा है उस जगह का नाम है, उर लिख दू थोड़ा सा इस साइड में, ताजेवाला या फिर कालेसर बोल दें, ताजेवाला या फिर उरे एक बैराज है जिस बैराज का नाम है अथीनी कुंड बैराज। यानी ताजेवाला या फिर अथीनी कुंड बैराज जो है उड़ता अपना हरियाणा में प्रवेश कर रहा। तो कड़ा गई शुरू में गई, देखो या यमुनानगर आ गई, यमुनानगर के बाद देखो इस तरह से सीमा के ऊपर को बिल्कुल इस तरह से करनाल आ गई, और करनाल के बाद देखो नीचे कौन सा आ गया, पानीपत आ गया, और पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद अपना दिल्ली आ जाओ है, दिल्ली के बाद देखो फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद पलवल, पलवल में असनपुर स्थान हो रहा है, कौन सी जगह है असनपुर, और इसे असनपुर तक या चली जाओ है उत्तर प्रदेश में, असनपुर तक बिगी या यूपी में बिगी। देखो ऊपर तक लिकड़ी बंदर पूंछ की पहाड़ी, यमुनोत्री या फिर अरक्कीदून तक लिकड़ी, हरियाणा में यमुनानगर का ताजेवाला तोड़ता प्रवेश कर गई, ताजेवाला तक प्रवेश करके फिर यमुनानगर में आएगी, यमुनानगर के पाछा करनाल में गई, करनाल में पानीपत, पानीपत पाछा सोनीपत, फिर जज्जर, सॉरी जज्जर सोनीपत, सोनीपत के बाद सीधा कड़े आएगी दिल्ली, आएगी जज्जर कौन जाओ दिल्ली, आएगी दिल्ली तक फिर फरीदाबाद, फरीदाबाद तक पलवल, और इसके बाद कड़े चलगी नीचे अपना यूपी असनपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में चलगी, ठीक है। अब देखो जो यमुना जो नदी जो है, यमुना नदी एक तो हरियाणा की सदानीरा नदी, देखो सदानीरा आ जाओ है, नित्य वाहनी नदी आ जाओ, यानी सदानीरा मतलब हमेशा पानी रहा, नित्य वाहनी मतलब सारी यानी 12 मासी नदी भी कह दी उसने, 12 मासी नदी। उसके बाद इस नदी को यम की बहन के नाम से, सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना, यम की बहन सूर्य पुत्री, यानी यम की बहन और सूर्य पुत्री के नाम से कौन सी नदी ने जाना है, यमुना नदी को यम की बहन और सूर्य पुत्री के नाम से आप जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो जो यमुना जो नदी है, यमुना नदी में तो एक नहर निकाली जाओ है, और जो ताजे वाला जो है, ताजे वाला पे तो उड़ता एक नहर निकला है जो नहर के काम कर रहा है, जो अपना नहर सिंचाई का काम कर रहा है, जिस नहर का नाम है पश्चिमी यमुना नहर। देखो पश्चिमी यमुना नहर स्त्रियां से निकलगी, स्त्रियां से यह आएगी सोनीपत, स्त्रियां आके और दिल्ली के अंदर जो है अपना पश्चिमी यमुना नहर दिल्ली में उड़े एक बैराज है, बैराज का नाम क्या है, ओखड़ा बैराज, ओखड़ा बैराज, ओखड़ा बैराज। इस ओखड़ा बैराज में आके दिल्ली में क्या मिलगी फिर या
उल्टी यमुना नदी में मिल गई, समझ में आएगी। ताजे वाला था थिनीकुंड बैराज से एक नहर निकाल दी, नहर का नाम क्या है, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर। इस तरह हरियाणा में होती है, सारा हरियाणा में सिंचाई करा या नहर, या इस तरह आके ओखला बैराज में आके पश्चिमी यमुना नहर किसमें मिल गई, यमुना नदी मिल गई, ठीक है। इब देखो पश्चिमी यमुना नहर जो है ना, पश्चिमी यमुना नहर या पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे लंबी तो नहर है और सबसे पुरानी नहर है, यानी हरियाणा की सबसे लंबी सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर है। उरत एक और नहर निकाल रखी है, उसका अपना काम तो है कुंताजे वाला था, इस तरह से निकाल के या पूर्वी यमुना नहर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई करा है, या पूर्वी यमुना नहर है, यानी ताजे वाला था, दो कौन सी नहर निकली है, पूर्वी यमुना नहर और कौन सी दूसरी, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में गई या अपने हरियाणा की है, पश्चिमी यमुना नहर या अपने हरियाणा में आएगी, ओखला बैराज दिल्ली के में आके किसमें मिल गया नदी, नहर या यमुना नदी मिल गई, ठीक है। अब देखो इस नहर की जो लंबाई जो है 3226 किलोमीटर मानी जाओ, इसकी कोई खास बात को नहीं, ना पेपर में इतनी पूछी जाती। अब देखो यमुना नदी जो है, यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां है, बहुत बार पूछा जाओ है, जैसे बेतुआ, चंबल, ये इस साइड से इधर से आके बाद में जब इंडिया का जब अपने मैप बनाओगे उस टाइम अपने सारी सारी चीजें वो करा दें। उसके बाद है सोम नदी है, पथराड़ा नदी है जो सहायक नदियां में, सोम नदी, पथराड़ा जो है, पथराड़ा, सोम, बेतुआ, चंबल, ये है अपना किसकी सहायक नदी है, ये यमुना नदी की प्रमुख नदियां कह लो, चाहे फिर यमुना नदी की सहायक नदियां कह लो, ठीक है। यानी यह है यमुना नदी, यह हरियाणा की सबसे लंबी भी नदी है, देश की भी सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी, हरियाणा की सबसे लंबी नदी है या इसका नाम क्या है, यमुना नदी है। यानी दोबारा फिर समझाऊं जल्दी जल्दी मैं, बंदरपूंछ या फिर अर्की दुनिया फिर यमुनोत्री से निकली, हरियाणा में ताजे वाला आइडिया फिर अथनीकुंड बैराज से प्रवेश करगी, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, सोनीपत के पास दिल्ली, दिल्ली पास फरीदाबाद, फिर और असनपुर होकर यह नदी कड़ गई उत्तर प्रदेश में गई, ठीक है। उसके पास में, उसके बाद में देखो उर्त जो अथीनियो जो है, उर्त है, उर्त का वो लिकड़ा है, नहर है, नहर का नाम क्या है, पश्चिमी यमुना नहर, यमुना इस तरह से होते हुए ओखला आएगी, दिल्ली में आएगी, पूरा हरियाणा में अलग अलग ब्रांचेस की, इन ब्रांचों से होते हुए पूरा हरियाणा में क्या कर रहा है, सिंचाई का काम कर रहा है। हरियाणा की सबसे लंबी नहर भी है, सबसे पुरानी नहर भी, अंग्रेजा के टाइम में लिकड़ी थी, ठीक है, 1879 बताई जाओ डेट इसकी, ए इसमें मिल गया। इब देखो इसकी प्रमुख नहर कौन सी, नदी कौन सी है, बेतुआ, चंबल, सोम, पथराड़ा, ये यमुना की सहायक नदी है। नित्य सदानीरा नदी पूछ ले, बारामासी पूछ ले, यम की बहन या सूर्यपुत्री कौन सी नदी ने बोला पे, यमुना नदी ना पे बोला, ठीक है। उसके बाद अगली जो प्रमुख नदी है वो नदी है गग्गर नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है गग्गर। देखो गग्गर और दोनों दनुआ के बीच को बताई थी मैंने, गग्गर जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश जो है अपना, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से निकला है, जिला है सिरमौर, सिरमौर जिले की जगह है, जगह का नाम है डागशाई, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की डागशाई जो जगह है, डागशाई तक नदी कौन सी निकला है, गग्गर। देखो हिमाचल प्रदेश तक इस तरह पंचकुला, पंचकुलम प्रवेश करके, देखो पंचकुलम प्रवेश करके फिर आ गया अंबाला, गग्गर नदी पंचकुला, पंचकुला के बाद आ गया अंबाला, देखो बहुत ध्यान से देखिए बात, यानी पंचकुला, पंचकुला के बाद कड़ाएगी अंबाला, अंबाला के बाद में फिर देखो उरे के है कौन सा राज्य, उरे है पंजाब, और पंजाब का उरे एक शहर है, शहर का नाम है पटियाला, पटियाला, पटियाला पैग, पटियाला सलवार, ये बहुत फेमस है। देखो गग्गर आप पढ़ने लग रहे हैं, ये इसने उरे लिख दी हूं गग्गर, यानी हिमाचल प्रदेश के शिमला के डागसाई से लिकड़ी पंचकुला पीकेएल तो फिर अंबाला, अंबाला पाछा गग्गर नदी, देखो उल्टी चल गई अपने पंजाब में, पंजाब में बढ़ गया। उरे ध्यान रखो, देखो कुरुक्षेत्र की सीमा टच को इससे थोड़ी सी भी, यह बात आपने याद रखनी है। इसके बाद देखो पंजाब में जाके उल्टी गग्गर नदी आ गई अपने कैथल में, पंजाब के बाद कटाएगी कैथल में, कैथल पाछा फिर लिकड़ेगी उल्टी या फिर पंजाब में बढ़ गया, फिर कड़े चल गया पंजाब में, यानी इसका मतलब क्या है, देखो ना तो कुरुक्षेत्र में गई है ना जींद में जाने लग गई, फिर उल्टी देखो पटियाला इस तरह होके फिर या चल गया अपने टुआना से फतेहाबाद में प्रवेश कर गई, और फतेहाबाद तो फिर सिरसा, सिरसा तागौर के है राजस्थान का, बीकानेर का एक जगह है जिसका नाम है अनुमानगढ़, और अनुमानगढ़ में यह नदी विलुप्त तो हो जाओ है, खत्म हो जाओ रेत में के। देखो यह नदी कौन सी है, इसका उरा लिख दी हूं, गग्गर लिख दिया था क्या, ठीक है गग्गर नदी हुए।
समझ में आ गई। देखो दोबारा देखो, हिमाचल प्रदेश के शिमला के डागशाही तक गई, पंचकूला गई, पंचकूला के बाद फिर आ गई अंबाला, अंबाला के बाद फिर ये पंजाब में चली गई, याद रखना कुरुक्षेत्र में कौन गई है, फिर पंजाब तो उल्टी कड़ा आ गया कैथल में आ गई, कैथल तो फिर जींद छोड़ दो कड़ा बिगी पंजाब में, पंजाब से फिर जींद छोड़ के फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद तो सिरसा, सिरसा के बाद कड़ा बिगिया हनुमानगढ़ में चली गई, और हनुमानगढ़ में जाके क्यों जाओ है, रेत में विलुप्त हो जाओ है। या जो गग्गर जो नदी है इसकी एक खास बात रखनी है आपने, या एक बरसाती नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है गग्गर नदी की, क्या बात याद रखनी है, बरसाती नदी है यह, ठीक है। उसके बाद देखो गग्गर बरसाती नदी, गग्गर पर एक बांध भी है, वीराज बांध सिरसा में है, उरो लिख दियो ओटू, सिरसा के अंदर ओटू नामक स्थान है और इस पर एक बांध है वीराज, वीराज बांध जो है कौन सी नदी के ऊपर है, गग्गर नदी के ऊपर है, नू पूछ जाओ तो कौन सा अपना जिले में है, तो सिरसा जिले में है। दो होगी, यह यमुना यह गग्गर, ये भी इन दोनों के बीच की नदी आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में अगली जो नदी है सरस्वती नदी, आर्य जो अगर देना, आर्य सबसे ज्यादा एक सरस्वती को पवित्र मानते थे, सरस्वती का नाम क्या है, सरस्वती नदी को आर्य सबसे पवित्र माना करते हैं। देखो अब जो है यह भी कर्ता निकला है हिमाचल प्रदेश से निकला है, गग्गर जो या जो सरस्वती नदी है कर्ता निकला है हिमाचल प्रदेश से, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश सरस्वती नदी जो है सिरमौर जो जिला है वहां से शिवालिक की पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ियां तो नदी लिख रहा है, नदी का नाम क्या है, सरस्वती नदी, बहुत पवित्र नदी माने जाओ। देखो इसके बाद सरस्वती नदी स्त्री आएगी, स्त्री आके प्रवेश करगी अपने यमुनानगर, और यमुनानगर में जड़ते प्रवेश करा है उस जगह का नाम है आदि बद्री, के नाम है आदि बद्री, आदि बद्री नामक जगह जो है यमुनानगर में पड़ा है, और आदि बद्री नामक स्थान से जो सरस्वती जो नदी है या किस में प्रवेश करगी अपने हरियाणा में प्रवेश करगी। अब देखो यमुनानगर में आ गई, यमुनानगर से देखो इस तरह से नीचे होते हुए या चल गई, उरे देखो कुरुक्षेत्र के यू के तो यूनिवर्सिटी खातर यूज करा फिर याद रख लिया, कुरुक्षेत्र में आ गई, कुरुक्षेत्र में शाहबाद, शाहबाद के बाद होगी पेवा, पेवा आगे देखो पेवा लिख दियो, पेवा की अपने जरूरत बहुत पड़ेगी उरे पेवा। उसके बाद देखो कैथल, और कैथल के बाद में सरस्वती नदी है इस तरह जाके मिलगी ऊपर गग्गर में, पटियाला के अंदर है, पटियाला में जाके सतराणा नामक स्थान है पंजाब में, पटियाला के पास में सतराणा में जाके यह नदी किस में मिलगी, गग्गर में मिलगी। ऊपर देखो यह गग्गर आने लग रही है, डागशाही से लिगड़ी पंचकूला अंबाला फिर कुरुक्षेत्र में कौन गई, फिर कैथल, कैथल से फिर या इस तरह आके या होगी गग्गर, ये भी आप पढ़ा है कौन सी, सरस्वती यानी आदि बद्री से लिगड़ी, यमुनानगर में आदि बद्री से प्रवेश कर लिया इसने, यमुनानगर का पाछा कुरुक्षेत्र का पेवा है, शाहबाद कुरुक्षेत्र में गई, कुरुक्षेत्र का पाछा फिर कड़ा गई कैथल, और इसके बाद आके पटियाला में सतराणा नामक स्थान में आके गग्गर किस में मिलगी, सरस्वती में, यानी सरस्वती किसकी सहायक नदी है, नो पूछो तो गग्गर की सहायक नदी है सरस्वती नदी। अब देखो इसे सरस्वती नदी का किनारा किया हुआ था महर्षि वेदव्यास जो है, वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र में किसकी रचना करी थी, महाभारत की रचना करने का काम किया था महर्षि वेदव्यास ने। दूसरा जो है यह जो सरस्वती नदी है विलुप्त होगी, आजकल सरस्वती नदी का कोई वो नहीं है, कड़िया इसका नाम नहीं है, विलुप्त होगी बस कागजा में आप कह सको हो, कई कई जगह अभी हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों एक गांव है मुगलावली 2015 में मुगलावली गांव के अंदर इसका खुदाई आरंभ करी थी हरियाणा सरकार ने, और जो सरस्वती बोर्ड बनाया गया है, सरस्वती बोर्ड के अध्यक्ष भारत के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और एक गांव है आदि बद्री से जुड़ा हुआ गांव जिसका नाम था मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद, और ये जो मुस्तफाबाद गांव जो है इसका नाम भी बदल के क्या कर दिया, सरस्वती नगर कर दिया था हरियाणा सरकार ने, सबसे पहली शायद इसे का नाम बदला था, बहुत पुराना, ठीक है। यानी सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश से लिकड़ी, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर शिवालिक की पहाड़ियों से लिकड़ी, ऊपर में शिवालिक है, निचली करता लिकड़ेगी नदियां दक्षिण भारत के अरावली से, यानी उड़ते लिकड़ी आदि बद्री, उसके बाद यमुनानगर, यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र बाद कैथल, कैथल के बाद कड़े चल गया इसमें पंजाब में जाके किस में मिल गया, जाके पटियाला से सतराणा नामक स्थान पर जाके क्या में मिल गया, गग्गर में मिल गया, नहीं सरस्वती किसकी सहायक नदी है, गग्गर की सहायक नदी है सरस्वती। उसके बाद देखो अगली जो नदी है उस नदी का नाम है अपने मारकंडा नदी, मारकंडा जो नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मारकंडा का उरो लिख दियो, मारकंडा का प्राचीन नाम जो है अरुणा है, यो अभी पेपर में पूछा भी गया था, मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा नाम है मारकंडा का प्राचीन नाम, या मारकंडा जो नदी है हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकला है, हिमाचल प्रदेश का उरो नाहन जिला है, और नाहन जिले से धरतीधर पर्वत श्रेणी है, धरतीधर कौन सी पर्वत श्रेणी है, धरतीधर पर्वत श्रेणी है, ए स्त्रियां या निकलगी, निकल के या आगे अपना अंबाला में,
और अंबाला में जो से स्थान तक प्रवेश करा है उस स्थान का नाम है काला अंब। काला अंब तक हरियाणा में प्रवेश करा है, यानी मारकंडा नदी कड़ता प्रवेश करा है, काला अंब नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करा है। और यह आगे अंबाला, अंबाला का ठीक नीचे देखो कौन सा जिला है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में पेवा नामक स्थान के पास में जाकर यह नदी कौन सी जाने लग रही है, या सरस्वती जाओ है, यानी मारकंडा किस में मिलगी, सरस्वती में। और सरस्वती फिर किस में मिलगी, गग्गर में। गग्गर कड़ा चल गई फिर सिरसा होते हुए पूरा चल गई इसमें राजस्थान में हनुमानगढ़ में, समझ में आएगी। यह है गग्गर, गग्गर स्त्रियां गई उड़ते देखो या जाके नू चल गई गग्गर के बाद में, या निचल या सरस्वती हिमाचल प्रदेश से निकली और इसके बाद में यमुनानगर आदि बद्री कुरुक्षेत्र कैथल, कैथल के बाद पंजाब में पटियाला में जाके सतराणा नामक स्थान पर जाके किसमें मिल गई थी, या सरस्वती जो है गग्गर मिल गई थी। ये बिया पड़ी अपन मारकंडा, मारकंडा का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम कौन सा है, मारकंडा का प्राचीन नाम है अरुणा। और अरुणा जो नदी जो है या फिर मारकंडा जो है उड़ते निकली धरती दर पर्वत श्रेणी, उसके बाद हरियाणा में कालाम्ब नामक स्थान अंबाला में प्रवेश कर गई, कुरुक्षेत्र में जाएगा पेवा नामक स्थान जो है, पेवा में आके किसमें मिल गया, सरस्वती में। सरस्वती किसमें मिलेगी फिर, गग्गर में। देखो मारकंडा की एक तो प्राचीन नाम के है अरुणा, आपने यो याद रखना है। दूसरा उरे एक झील है, झील का नाम के है सनीसा झील, यानी जोंसी झील में जाके मिला है, अरुणाए गांव है और अरुणाए नाम का एक तीर्थ भी है, जब आप चंडीगढ़ जाओ फिर रामदीख गांव है। सनीसा नामक झील जो हो रहा है सनीसा झील में या फिर अरुणाए नामक गांव में उरे आके पेवा नामक स्थान पर मारकंडा जो हुआ किसमें मिल जाए, मारकंडा मिल गया अपने सरस्वती में। उसके पाछे एक रहेगी टांगरी नदी। देखो टांगरी जो नदी है, टांगरी नदी अपने और एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना हरियाणा में तो लिखड़ा है, बाकी सारे नदी देखो अपन कड़ते ली हिमाचल प्रदेश तक उत्तराखंड तक ली है, एक ऐसी नदी जो अपना हरियाणा में तो लिखड़ा है और नदी का नाम है टांगरी। और हिमाचल और अपना पंचकूला जो है, पंचकूला में मोरनी हिल है, मोरनी मोरनी हिल तो निकला है, यानी टांगरी नदी कड़ता लिखड़ेगी मोरनी हिल तो निकलेगी। और उसके बाद में पंचकूला हो क्या स्त्रियां अपना कोई ना कोई अंबाड़ा में खत्म हो जाओ, कोकड़िया खत्म हो जाओ, बस एक के प्रश्न आए उसका, बट टांगरी कोई ना कोई इसकी सहायक नदी है या सरस्वती की सहायक भी नदी है, अलग अलग। लेकिन पूरा इसके ऊपर प्रमाण है कोनी, बस इतनी बात याद रख लियो, टांगरी जो नदी है या कड़ता लिखड़ा है टांगरी नदी, पंचकूला में तो लिखड़ा है मोरनी हिल में, और मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, करो के नाम है, और लिख दूं करो जो है 15-14 उसकी ऊंचाई है, करो 15-14 इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंचा है मोरनी हिल, ठीक है। ये होंगी ऊपर वाली पांच नदी, नीचे चार नदी रहेगी टोटल, मुख्य रूप से 9 नदी बताऊं है विद्वान आदमी फिर वो करेंगे, तो जल्दी जल्दी एक बार फिर रिपीट करवा दूं आप ना, जल्दी जल्दी देखो। या थी यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक लिखना है, अर्किदून यमुनोत्री या फिर बंदरपूच उड़ते लिखड़ के यमुनानगर में प्रवेश करा है, अपना करता प्रवेश करा है ताजेवाड़ा या फिर अतिनिकुंड बैराज तक प्रवेश करेगी, यमुनानगर करनाल पानीपत सोनीपत दिल्ली और दिल्ली के बाद फरीदाबाद फिर पलवल असनपुर नामक स्थान में फिर यूपी में चल जाएगा, ठीक है। इसमें एक नहर निकाली गई है, नहर का नाम के पश्चिमी यमुना नहर, इस तरह से पूरा हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई करा है, हरियाणा की सबसे लंबी नहर है और सबसे प्राचीन भी नहर है। इधर को क्या नहर है, पूर्वी यमुना नहर या आके दिल्ली आके या कौन सी मिल जाए उल्टी यमुना नदी में या मिलन का काम करा है, ठीक है। उसके पाछा अपन पड़ी थी नदी गग्गर नदी, गग्गर बरसाती नदी है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से, देखो या गग्गर है सिरमौर से डागशाही नामक स्थान से निकला है, इसके बाद पंचकूला, पंचकूला के बाद में देखो अंबाला, अंबाला के बाद में गग्गर वापस पंजाब में चल गई, पंजाब में चल के फिर यानी कुरुक्षेत्र में कौन गई गग्गर याद रख लियो, फिर कैथल में, कैथल के बाद फिर देखो बार पंजाब में चल गई यानी जींद कौन टच होया, फिर कड़ आएगी फतेहाबाद, फतेहाबाद यानी टुआना था फतेहाबाद में आएगी, फिर आएगी सिरसा, सिरसा के बाद कड़ चल गई हनुमानगढ़ में। उसके बाद गग्गर की एक सहायक नदी जिसका नाम है सरस्वती नदी, जो सरस्वती जो नदी है शिवालिक की पहाड़ियां सिरमौर जिला है उड़ते निकल गई, यमुनानगर में देखो सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश से निकली, उसके बाद यमुनानगर में आदि बद्री स्थान है जो मुगलावली गांव है उस तक खुदाई हुई थी, दूसरा मुस्तफाबाद गांव का नाम क्या करके सरस्वती नगर करके है, स्त्रियां यमुनानगर होकर कुरुक्षेत्र में गई या सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, कैथल में फिर पंजाब टच कर गया जींद में कौन गई पंजाब गई और पंजाब में जाके पटियाला के पास में सतराणा जगह, सतराणा में कौन सी मिल गया गग्गर में मिल गई, गग्गर फिर कड़ चल गई राजस्थान में चल गई। उसके बाद अपन अगली नदी पड़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट है सरस्वती के बाद में मारकंडा नदी, जो मारकंडा जो नदी है हिमाचल प्रदेश का नाहन जिला है और नाहन जिले की धरतीधर पर्वत श्रेणी जो है उड़ता लिखड़ेगी
देखो, और धरती दर पर्वत श्रेणी से निकल के इस तरह से मारकंडा जो नदी है अंबाला में काला अंब तैयार या अपने मारकंडा प्राचीन नाम के मारकंडा का अरुणा है, और उसके बाद अंबाला में काला अंब तक प्रवेश करे, और काला अंब से प्रवेश करके पेवा जो है पेवा में जाके किसमें मिलगी, जाके कुरुक्षेत्र जो है पेवा या मिलगी सरस्वती में, सरस्वती उर्वर किसमें मिलगी गग्गर में, गग्गर आगे चल गया, गग्गर की दोनों सहायक नदी है मारकंडा और सरस्वती, सनीसा नामक झील या फिर अरुणा जो तीर्थ जो है उरा जाके मिल जाए। अगले टांगरी एकमात्र ऐसी नदी जो मात्र हरियाणा में निकली है, टांगरी नदी उड़ते निकली मोरनील से, मोरनील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी करो है, और उसके बाद इस तरह से नीचे चली गई। ठीक, पांच नदी अपन देखो ऊपर वाली पढ़ ली, चार नदी है नीचाली, एक ऊपर वालिया में एक थोड़ा सा दो तीन है, एक अभी पीछे पेपर में आया था, एक नदी है राक्षी नदी, देखो राक्षी नदी है प्राचीन नदी है विलुप्त होगी सारी, राक्षी जो नदी है या लिखा है सापुरता है, और सापुरता लिखड़ के या नदी फिर लाडवा नामक स्थान जो है कुरुक्षेत्र में पड़ा लाडवा, लाडवा में जाके या फिर चेतांग में मिल जाओ है, और ये प्रश्न भी पूछा था कौन सी नदी है जो सापुर से लिखड़ के चेतांग में मिला है लाडवा में, तो यह नदी कौन सी है राक्षी नदी है, पीछे जेई में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर राजा देखो ये ओखला बैराज है ना, जो ओखला, इस ओखला बैराज तक एक नहर लिखड़ा है जिस नहर का नाम है, एक और नहर कैड रखी आगरा नहर स्त्रियां होके, या चली जाओ आगरा नहर, या जो आगरा नहर जो है या किस तरह निकाली है ओखला बैराज, ओखला बैराज दिल्ली में उड़ते उस तक आगरा नहर निकले, ऐसे ओखला ऐसे आगरा। ठीक है, यमुना नदी से निकाली गई। अब आ जाओ सबसे महत्वपूर्ण नदी है साहिबी नदी, मनु पूछ ले दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी, तो साहिबी जो है या दक्षिण हरियाणा की बहुत प्रमुख नदी है सैरम। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत प्रश्न आवा, तो यह साहिबी नदी जो है राजस्थान में तो लिखड़ा नीचे तय, राजस्थान में जीतगढ़ की पहाड़ी या फिर मनोर गढ़ की पहाड़ी आ जाओ, जो जीतगढ़ मनोर नहीं पाओ तो फिर सीवर की पहाड़ी पा जाओ। ठीक है, जीतगढ़ मनोर गढ़ या फिर सीवर की पहाड़ियां हैं राजस्थान, ये राजस्थान तौर पर लिखड़गी नदी कौन सी पड़ा आप साहिबी नदी। ठीक है, राजस्थान तौर पर लिखड़ी देखो, उसके बाद में फिर यह चल गई रेवाड़ी में, रेवाड़ी में चल गई, रेवाड़ी के बाद फिर उल्टी है फिर राजस्थान में बिक गई, राजस्थान में आके फिर उल्टी है फिर रेवाड़ी में आएगी, फिर रेवाड़ी में बह के रेवाड़ी तो क्या चल गई, रेवाड़ी के ठीक ऊपर कौन सा जिला है गुड़गांव, गुड़गांव में बह के फिर चल गई जज्जर, जज्जर में तो जाके फिर यह बिकी दिल्ली में, और दिल्ली में उरे एक झील है जिस झील का नाम है नफजगढ़ नजफगढ़ झील, नजफगढ़ जो झील है नजफगढ़ झील में जाके गिर गई। देखो नदी कौन सी है, या साहिबी नदी, ये उरे लिख दी उसका साहिबी नदी है, साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की बहुत प्रमुख नदी है, यानी उड़ता लिखड़ी जीतगढ़ मनोरपुर या फिर सीवर की पहाड़ियां तो निकली, उसके बाद रेवाड़ी में गई, रेवाड़ी पाछा थोड़ी ही राजस्थान 4 किलोमीटर चल गया राजस्थान में गई, राजस्थान पाछा उल्टी रेवाड़ी में आएगी, रेवाड़ी तक आगे कड़ गई गुड़गांव में, गुड़गांव पाछा जज्जर में, जज्जर पाछा दिल्ली में, दिल्ली में किस में जाके मिल गया नजफगढ़ जो झील है, नजफगढ़ झील में जाके या मिल गई और जाके खत्म हो जाओ या विलुप्त हो जाओ। देखो सही कौन बेरा पड़ता, क्यों कौन बेरा पड़ता, क्योंकि मौसमी नदी है बरसात के टाइम पर बेरा पड़ता है। उरे जो रेवाड़ी में जब जाओ है ना, रेवाड़ी में इसके ऊपर एक बांध है देखो उरे, और इस बांध का नाम है मैं लिख दू मसाणी बांध, यानी मसाणी बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है, मसाणी बांध साहिबी नदी के ऊपर बन रहा है रेवाड़ी में, मसाणी बांध साहिबी नदी रेवाड़ी। ठीक है, उसके पास है अगली नदी है इंदौरी, इंदौरी साहिबी की सहायक नदी है। देखो इंदौरी जो नदी है यह निकला है इंदौर नामक स्थान से, ये पूछा गया था जेई में कि इंदौरी नदी का उद्गम स्थल के है, तो मेवात की पहाड़ियां से या फिर नुकैले अरावली पर्वत श्रेणी से निचाई, तो अरावली से निकला है, ऊपर वाली कौन सी है शिवालिक की पहाड़ी है, ऊपर में दक्षिण हरियाणा में कौन सी है नीचे उ शिवालिक की पहाड़ी है, तो शिवालिक की पहाड़ी का सबसे जो शिवालिक जो है ऊपर शिवालिक है नीचे के है अरावली है, अरावली पर्वत श्रेणी बहुत प्राचीन पर्वत श्रेणी है, गुरु इसका सबसे ऊंचा वो है। उरे देखो इंदौर नामक स्थान जो है, इंदौर तक एक नदी निकला है, नदी का नाम इंदौर, यानी इंदौरी कड़ता निकलेगी इंदौर तक, इंदौरी इंदौर तक, उसके बाद देखो इंदौरी इंदौर तक निकलेगी नीचे है अरावली से, अरावली पर्वत श्रेणी से नू हो गया, नू में जाने के बाद में फिर सीधी केकर है गुड़गांव में चली जाओ या, और गुड़गांव में जाके पटौदी नामक स्थान है ना, पटौदी रेलवे स्टेशन, और पटौदी रेलवे स्टेशन में जाके गुड़गांव में जाके या साहिबी नदी मिल गई। देखो या साहिबी नदी है मनोरगढ़ जीतगढ़ या फिर सीवर की पहाड़ियां तो निकली, रेवाड़ी गई, रेवाड़ी तो राजस्थान गई, उल्टी फिर रेवाड़ी आएगी, फिर गुड़गांव होते हुए जज्जर, जज्जर के बाद नजफगढ़ झील में जा गिरगी, इसे की सहायक नदी है इंदौरी नदी, इंदौर तो निकला है, नू में गई और नू में गई स्त्रियां फिर गई या गुरुग्राम में, गुरुग्राम में जाके या पटौदी नामक स्थान पर जाकर रेलवे स्टेशन दौर है, उड़े किस में मिल गया इंदौरी साहिबी मिल गया, यानी इंदौरी किसकी सहायक नदी साहिबी की नदी। अब दो रह गई प्रमुख दक्षिण हरियाणा की कृष्णावती, चाहे इसने कृष्णावती कह लो
या फिर कसौती भी कई जगह इसका नाम लिखा मिला, कृष्णावती या फिर कसौती। ठीक है, देखो इसकी क्या खास बात है, एक तो कृष्णावती और दूसरी एक और नदी है अपना दोहान नदी। दोहान और कृष्णावती दोनों एक जगह तो लिखना है, जगह का नाम क्या है, राजस्थान में नीम का थाना, बहुत बूंदा नाम है, नीम का थाना, नीम का थाना। दोनों नदी यानी कृष्णावती दोहन, कृष्णावती दोहन दोनों करता लिखना है, नीम का थाना में तो निकला है, जयपुर, जयपुर के पास में। देखो सबसे पहले आप पढ़ांगे कृष्णावती, कृष्णावती जो नदी है नीम का थाना तो लिखड़ी स्त्रियां जाके लिखड़ के रे महेंद्रगढ़ में जाके डहीना गांव है उसमें जाके समाप्त हो जाओ, यह है कृष्णावती, बस कृष्णावती समझ गए। कृष्णावती के बाद यानी कृष्णावती कौन सा गांव में जाए खत्म हो, डहीना गांव है, इतनी तो डिटेल में कौन पूछा सी। उसके बाद दोहन जो है, दोहन हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की नदी है और इस दोहन नदी का प्राचीन महत्व है, नीम का थाना से निकली दोहन नदी स्त्रिया से या सीमा बनाते हुए पश्चिमी सीमा बना के और उरा महेंद्रगढ़ में एक जगह है, जगह का नाम है बसई और बसई नामक स्थान के ऊपर जाके यह नदी विलुप्त हो जाओ है। देखो यह कौन सी है, दोहन नीम का थाना से निकली महेंद्रगढ़ में गई, महेंद्रगढ़ में जाके बसई में जा खत्म होगी, यह कौन सी कृष्णावती, या भी नीम का थाना में तो लिखड़ी, कृष्णावती गई महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में जाके और डहीना गांव में, डहीना गांव में जाके या भी विलुप्त हो जाओ। ठीक है, ये थी दक्षिण हरियाणा की चार है, ऊपर वाली है उत्तर हरियाणा की, ये नीचे वाली है अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा वो शिवालिक की। दोबारा जल्दी जल्दी बता दूं, देखो सबसे पहले अपन पढ़ी थी साइबी, साइबी जो नदी है या उरत निकला है राजस्थान की जीतगढ़ मनोहरगढ़ या फिर सीवर की पहाड़ियों से, रेवाड़ी की, रेवाड़ी के बाद राजस्थान, फिर उल्टी रेवाड़ी में आएगी, गुड़गांव, गुड़गांव के बाद झज्जर, फिर अंत में कड़गी नजफगढ़ जिले में, सबसे प्रमुख नदी दक्षिण हरियाणा की। उसके बाद इसकी सहायक नदी है इंदौरी नदी है, मेवात की पहाड़ी आ जाओ, अरावली पर्वत श्रेणी आ जाओ, इंदौर गांव में निकला है, नू में चलगी, नू में जाके कड़गी, नू के बाद में गुड़ग्राम, गुड़गांव में जाके पटौदी नामक स्थान पर किसमें मिलेगी, साइबी के अंदर मिलगी, दो होगी उर्ली दो रहेगी। कौन सी, दोहान और कृष्णावती, राजस्थान जयपुर का नीम का थाने से लिकड़ी। हाँ एक याद रख लियो, मसाणी बांध है साइबी नदी के ऊपर, रेवाड़ी में मसाणी बांध। उसके बाद में देखो कृष्णावती नदी है नीम का थाना में तलिकड़ी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का डहीना गांव में जाकर खत्म होगी। दोहान जो नदी है यह भी नीम का थाना तलिकड़ी और इस इधर महेंद्रगढ़ की सीमा पर बह के बसई नामक स्थान पर जाकर किसमें मिल गया और खत्म होगी जाके। ठीक है, ये थी दक्षिण हरियाणा की नदी, ऊपर वाली उत्तर हरियाणा की नदी, नदियां का चैप्टर अपना कंप्लीट होया। जे किसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारा काम कर दियो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।